हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान कृष्ण चैनल पे। इस वीडियो का मेन टारगेट है बच्चों, रिवीजन कैसे करें। हमारा टारगेट ये नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, तो भी मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, लेकिन रिवीजन कैसे होना चाहिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फटाफट आगे बच्चे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? जो पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में मूव करता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो सर्कुलर मोशन होता है एक्सेलरेशन मोशन होता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा भले आपकी स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो डायरेक्शन अब इधर हो गया, थोड़े देर के बाद नीचे होगा, इधर होगा इधर, तो इसीलिए वो एक्सेलरेशन मोशन है। मतलब भले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा तो भी वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज करना, स्पीड मतलब ओनली सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी चेंज करना। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, समझे क्या, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पीरियडिक मतलब डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे टर्म लिख के दूंगा फटाफट और आगे बढ़ते रहूंगा। चलिए सबसे मेन तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स भी होता है कभी कभी। यहाँ पे बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसका होगा डी थीटा अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है आपको? लीनियर एक्सेलरेशन ए, इसकी डेफिनेशन होती है डी वी बाई डी टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है बेटा? रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा इक्वल टू करके आर लिखो, रिलेशन बिटवीन बन गया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी, सिंबल लिखो ओनली बस, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा बस आर लिखो, हो गया। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आप समझ पा रहे बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है। कुछ एनालॉजी होती है जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन ए एंगुलर अल्फा। ये लीनियर के टर्म्स है, ये एंगुलर के लिए, ठीक है। जैसे कि मास होता है हमारे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशन में, ये लीनियर में फोर्स होगा तो इधर टॉर्क होगा, इधर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। इससे हम लोग फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के मास इनटू वेलोसिटी, इसका फार्मूला बेटा इसी का एंगुलर का, देखो पी के जगह पे एल होगा, एम के जगह पे आई इस्तेमाल करो और वी के जगह पे ओमेगा। देखो एनालॉजी से फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने सुना होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बेटा सॉरी mv स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 1/2 है ना, यम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स के जगह पे टॉर्क, यम के जगह पे आई और ए के जगह पे अल्फा। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये एक्सिस पे दिखाते, इसको एक्सेल वेक्टर कहते हैं, और वो दिखाते, दिख रहा है? देखो ये जो मेरे चार फिंगर है वो पार्टिकल का डायरेक्शन से मूव कर रहा हूँ तो थंब ऊपर आ रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन है। अगर हमारा पार्टिकल बच्चों इस यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट डे वाला है, ये है, ऐसा रहा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए तो नेक्स्ट बच्चों पीरियड, पीरियड होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला समय। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, और टी इसका फार्मूला 2π/ω होता है। ध्यान रखना है फार्मूला काम बहुत आता है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कर रहा है, कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये फार्मूला 1/T होता है। अभी टी का जो भी फार्मूला था इसको एन भी बोलते हैं हम लोग, 1/T है ना। यहाँ पे अगर टी का फार्मूला पुटअप करता हूँ तो याद रखना बच्चों, टी का फार्मूला था 2π/ω, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, करेक्ट है 2π, तो ओमेगा का एक रिलेशन बनेगा 2π/n, ओके एक रिलेशन बनता है। आगे बढ़ते बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो मोशन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करना है बच्चों हम लोगों को, तो वो है सेंट्रिपिटल का फार्मूला r ओमेगा स्क्वायर, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख रहा हूँ, v² / r या v ओमेगा, एक फार्मूला, ऐसे तीनों फार्मूलों को याद रखना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब जिसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर के तरफ हो बच्चों, ठीक है।
यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मैंने ऑलरेडी बोला कि जो पार्टिकल टूवर्ड डायरेक्टेड सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी बॉडी स्पीड अप कर रही है, स्पीड बढ़ना, स्पीड अप करना मतलब, तो आपको पता है कि एंगुलर का डायरेक्शन निकालो, बोला एंगुलर का इसका, तो निकालते देखो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, थंब ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया एंगुलर का डायरेक्शन। सेम यहाँ पे भी लिखा है मैंने, इसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा ऊपर ही आएगा। लेकिन अल्फा का डायरेक्शन, हमारे बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, स्पीड अप कर रही है, तब ओमेगा का डायरेक्शन अल्फा दिखेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे स्पीड अप है, बॉडी क्या कर रही है बच्चों, स्पीड अप है, और यहाँ स्पीड डाउन है, कम हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके उल्टे दिशा में दिखाना है। एंगुलर का डायरेक्शन देखो उसके उल्टे दिशा में, ये स्पीड डिग्रीज कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे स्पीड को एक तो सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। सपोर्ट करना मतलब अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है, मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है समझो, अगर हमारी बॉडी भले ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन स्पीड डिग्रीज हो रही है, तब समझना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके उल्टी दिशा में डायरेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, जब उसके दिशा में हो, वेलोसिटी के दिशा में सेंट्रिपिटल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो बॉडी स्पीड अप कर रही है। अगर डिग्री स्पीड हो रही है मानना है, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट, मतलब वो यही कर रहा है, एक तो डायरेक्टेड अलोंग होता है और अपोजिट द वेलोसिटी होता है बेटा, इसी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज आ रही है, तो आपको पता है, बाकी कुछ नहीं, फटाफट आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स सेंटर के तरफ हो, टूवर्ड द, जैसे व्हीकल मूव कर रहा हूँ तो फोर्स सेंटर के तरफ है, देखो इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वहाँ पे एक्सेलरेशन का अभी अभी वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर वी ओमेगा फार्मूला है, तो फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे यम ए। अब यम तो पता है मुझे, वैसे वैसे ये वी स्क्वायर बाय आर यार, एफ इज इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर या एफ इज इक्वल टू यम वी ओमेगा, ऐसे करते हुए तीन फार्मूले हम लोगों को इम्पॉर्टेंट लिखने हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस साइन देना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों देना पड़ेगा, तो इसका कारण है बेटा कि फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है और रेडियस अवे होता है, इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, कुछ भी दे सकते हो एग्जांपल जो देना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस अवे होता है बाहर, दोनों का फार्मूला सेम, सब कुछ सेम, खाली व्हीकल ड्राइविंग अराउंड कर रोड पे, देखो हमको ऐसा फील होता है कि कोई बाहर ढकल रहा है। एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई खराब फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार होता है, जैसे कि हमने देखा फ्रिक्शन के कारण, पहले रोड पे गाड़ी चल रही तो फ्रिक्शन के कारण, रस्सी को घुमा गोल गोल, गोल चीज घूम रही तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओ। अब आपको समझ में आया कि रस्सी है तो टेंशन है, रिवॉल्व सन मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन तो ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो कितने सारे एग्जांपल दे सकते हो। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ हम लोगों को व्हीकल ही कर रोड है, लेकिन बैंक रोड नहीं, ऐसा रोड है, मेरी व्हीकल यहाँ पे है, तो आप तो जान रहे होगे यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अब इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक वेट होगा, बस खत्म किस्सा, जिनको ये समझ में आ गया खत्म किस्सा। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि n इज इक्वल टू एम जी है, ये बात समझ में आई सर। Fs जो है बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड रख सकता हूँ ताकि ये गाड़ी मेरी टर्न करे, ज्यादा स्पीड रही इससे भी ज्यादा तो गाड़ी रोड के नीचे जा सकती है, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इक्वेशन दो है बच्चों, तो हम लोग काम कर रहे हैं सेकंड बाय फर्स्ट करते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट, तो एम वी स्क्वायर बाय आर और ये एम जी, मुझे लगता है एम से एम को कटवा दो, एफ एस बाय म्यू, इसको म्यू एस कहते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वी स्क्वायर बाय आर जी, तो ये वी स्क्वायर, तो ये म्यू एस आर जी, अगर यहाँ का स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा। यहाँ पे कौन सी स्पीड है बेटा, ये मैक्स स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड रखोगी तो रोड के नीचे जाओगे आप, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रिवीजन करके दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगेगा देखो ये मौत का कुआ, इसकी कम स्पीड रखे तो नीचे गिर सकता है, इसलिए गाड़ी धुम धुम मचाले करती रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास आपकी व्हीकल ही समझो, यहाँ अब व्हीकल है तो मास है, मास है तो वेट है नीचे, इसको कौन बचा रहा है बच्चों, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये नीचे आना चाहती है वो बचा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ एस इज इक्वल टू एम जी, और एक नॉर्मल फोर्स लगे, मेरा हाथ ऐसा तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है,
तो ये सेंटर की तरफ देख रहा है और सेंटर पे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, ध्यान रखना है मुझे एक एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू, यानी एक फार्मूला याद आ रहा है बेटा, अभी अभी मैंने बोला कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला एफ बाय एन होता है बेटा म्यू एस, सही है, तो वही है, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, एन है बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एफ एस है एम जी इज इक्वल टू म्यू एस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम एम कैंसल, मुझे लगता है कि हम लोग अगर आर जी इधर लाते ये म्यू एस इधर, तो ये वी स्क्वायर होगा बेटा, तो ये वी स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा और ये होगा आर जी अपॉन म्यू एस। बेटा ये कौन सी स्पीड है, मिनिमम, इससे कम रखोगे तो आप इस मौत के कुएं से नीचे गिर सकते हो, इसलिए गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाक से, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सेफ स्पीड बतानी है पहले, ठीक है। बैंकिंग रोड, देखो ये रोड पे बैंकिंग रोड कर रहा हूँ, ये व्हीकल है हमारा, अगर ऐसा रहा तो हम लोग ने क्या बचना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे यहीं पे मैं फटाक से बता देता हूँ मोस्ट सेफ स्पीड क्या हो सकती है। देखो यार ये वेट है, वेट वेट होता है हमारे पास एम जी, ये नॉर्मल है, इसके दो कॉम्पोनेंट है एन कॉस थीटा और ये एन, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो मुझे लगता है एन कॉस थीटा को बैलेंस करने वाला एम जी है, और ये रोड जो है ना बेटा एक्चुअली ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये एक आउटर एज हायर लेवल है, इनर एज ऐसी है, तो यहाँ पे जो आएगा वो यन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है प्रोवाइड, तो वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन वन ये टू, तो हम टू बाय फर्स्ट करते हैं, चलिए फटक से करते हैं, यन साइन थीटा डिवाइड बाय यन कॉस थीटा इज इक्वल टू यन साइन थीटा है बेटा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाई एम जी, तो एम एम कैंसिल, यन एन कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन थीटा, ये भी फार्मूला याद रखना बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ओके। इसी से बच्चा हम लोग थीटा भी निकाल सकता हूँ टैन इनवर्स, ठीक है, ये भी याद रखेंगे वी स्क्वायर बाय आर जी, और इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, मेरा मकसद पहले स्पीड निकालना था, मैंने थीटा निकाल के दिया, ठीक है ना, तो वी ये रूट में आएगा बेटा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बेटा यही हमारी मोस्ट सेफ स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड, क्योंकि फ्रिक्शन पे डिपेंड है, फ्रिक्शन धोखेबाज फोर्स होता है, कभी भी धोखा दे सकता है। चलिए बच्चों यहाँ पे ये मोस्ट सेफ स्पीड ये मैंने पूरा करवा के दिया, आप लोगों को लोअर स्पीड निकाल के दूंगा, अपर स्पीड अपॉप हम लोग निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली निकाल सकेंगे। देखो बच्चों पहले तो ये तो पता है गाड़ी है, गाड़ी का वेट नीचे होगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा, उसके कंपोनेंट यन कॉस थीटा और यन साइन थीटा, ये समझ में आया, गाड़ी फिसल रही नीचे क्योंकि स्पीड कम है, तो गाड़ी इधर फिसल सकती है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसलिए इसको रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसके दो कंपोनेंट बेटा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, करेक्ट है बेटा। मुझे क्या लग रहा है एम जी अगर निकालना है एम जी, तो मुझे यहाँ पे काम करते हैं यन कॉस थीटा को पहले लिखते हैं, देखो यन कॉस थीटा दिख रहा है प्लस एफ एस साइन थीटा है, दिख रहा है बेटा एक ही लाइन पे है, जो एक लाइन पे उसका ऐड करना पड़ता है, सेम डायरेक्शन है, देखो नीचे वेट कर रहा है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू यहाँ पे यन साइन थीटा को माइनस कर रहा है बेटा एफ एस कॉस थीटा, माइनस क्यों लिखा है सर, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, टारगेट है बेटा सेंटर की तरफ फोर्स हो, तो सेंटर की तरफ फोर्स है सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है यन कॉस थीटा, वो तो अपोज कर रहा है ना, इसलिए माइनस किया। चलो बच्चों हम लोग सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं, सेकंड बाय फर्स्ट तो करते हैं, ध्यान देना अभी एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ये है अभी कि हर टर्म को यहां पे ध्यान देना बेटा, ये एन साइन थीटा ठीक है एन कॉस थीटा से ठीक है आपको डिवाइड करना है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे गाड़ी हमारी रोड को टच करके चल रही है, तो टैन टैंजेंशियल टैन थीटा आना चाहिए, माइनस एफ एस कॉस थीटा और ये एन कॉस थीटा, ठीक है बेटा। चलिए ऊपर यन कॉस थीटा हर को करना पड़ता है, अकेले को नहीं दे सकते, यन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय यन कॉस थीटा, मुझे लगता है कि फटाफट जो टर्म कैंसिल कर सकते कैंसिल करो, यन यन से कैंसिल करो, कॉस से कॉस करो बेटा, यहाँ पे यन कॉस कैंसिल करो, यम यम कैंसिल करो, तो वी स्क्वायर ये आर जी, ध्यान रखना यहाँ पे साइन बाय कॉस टैन हो रहा बेटा, ये माइनस म्यू एस एफ बाय यन म्यू एस है, और यहाँ पे वन प्लस म्यू एस
tan थीटा। मुझे लगता है कि यहाँ पे v अगर स्क्वायर है तो ये rg इधर आएगा ब्रैकेट में tan थीटा म्यू एस डिवाइड बाय वन प्लस, है ना, म्यू एस tan थीटा, ये स्क्वायर है तो ये रूट में आएगा अभी और ख़त्म किस्सा हो जाएगा। चलिए मैं इस टर्म को कैंसिल, जो भी है तो ये v ये रूट में, रूट में है बेटा, देखो rg ब्रैकेट में यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू एस वन प्लस म्यू एस tan थीटा बेटा, यही हमारी कम से कम वाली स्पीड, मिनिमम, इससे कम नहीं रख सकते, इससे कम रखोगे तो शायद हमारा धोखा, और हमारे रोड पे लेकिन मिनिमम जीरो रखते, ठीक है ना। चलिए इसी से मैक्स निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला याद करके दे रहा हूँ आपको, रूट ऑफ आर जी, बस यहाँ पे साइन चेंज करने, टैन थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस म्यू एस टैन थीटा, ध्यान में आ रहा है बच्चों, ओके समझ में आ रहा है, बस साइन चेंज करो मैक्स मिलेगी, ठीक है, कंडीशन आपको अप्लाई करना आनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास म्यू एस जीरो रहा तो वी कितनी मिलती है देखते हैं, आर जी टैन थीटा, मैंने निकाला था मोस्ट सेफ स्पीड, देखो ये जीरो तो ये जीरो, है ना, कभी कभी टैन थीटा जीरो करो, टैन थीटा जीरो किया तो क्या होगा सर, तो आप लोगों को यहाँ पे म्यू एस, है ना, आर जी भी मिलेगा बेटा, म्यू एस आर जी मिलेगा, करेक्ट है बेटा। मैक्सिमम स्पीड निकाली थी, कितने सारे फार्मूले निकाल रहा हूँ, एक दो तीन चार, और भी निकाल सकते इससे, थीटा इज इक्वल टू पता है ना आपको टैन इनवर्स वी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करके, मतलब आप कितने सारे फार्मूले याद रख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये अभी अगला सवाल आपको ही करना है, कर सकते हो आप, वैसे ही सेम टू सेम था, बाकी कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज आने वाली है। कोनिकल पेंडुलम क्या है बेटा, हमको पीरियड निकालना है, कैसे, एक कंप्लीट ऑक्सुलेशन, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका निकालना है, तो मैंने बोला एक काम करते यार कि इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं छोटी से डायग्राम निकाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी डायग्राम ना निकालते हुए क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये होगा हमारा वेट एम जी, टेंशन, टेंशन के दो कंपोनेंट बेटा, ये टी कॉस थीटा जिसके साथ थीटा वो टैन, सॉरी हाँ, और ये आर रेडियस है और ये टी साइन थीटा है, ठीक है, मान रहा हूँ ऐसे, तो फटाक से बच्चों टी कॉस थीटा को बैलेंस करने वाला हमारे पास एम जी है और टी साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर, मेरा ओमेगा निकालने का टारगेट है सर, क्यों, क्योंकि पीरियड का फार्मूला बेटा टू पाई अपॉन ओमेगा है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो बात पता लगी कि सर एम आर ओमेगा स्क्वायर नीचे एम जी करना पड़ेगा, सेकंड बाय फर्स्ट ही करना पड़ेगा, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, तो टी टी कैंसल, एम एम कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा, राइट बच्चो, और ये आर कॉस थीटा, शायद आपको आर भी मिलेगा, तो ये ट्राइंगल में आर जो है वो साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय यस हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा, ये अपोजिट एंगल आ रहे और ये एल लेंथ है, तो मुझे लगता है कि आर की वैल्यू हम लोग एल साइन थीटा भी रख सकते हैं, आर की वैल्यू, हाँ चलिए, तो ओमेगा स्क्वायर ये है जी साइन थीटा बेटा डिवाइड बाय एल साइन थीटा और ये कॉस थीटा है, तो मुझे लगता है साइन थीटा गेट बी कैंसल और ओमेगा स्क्वायर जो मिल रहा है मेरे पास वो मिल रहा है बेटा जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा मिल रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं, ये रूट में आ रहा है, तो अभी पीरियड निकाल सकते हो, पीरियड होता है रेसिप्रोकल, सॉरी पीरियड होता है सॉरी टू पाई अपॉन ओमेगा, तो ये टू पाई रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा, तो पीरियड का फार्मूला फाइनली मिला टू पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनको सब समझ में आता होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, एल इज इक्वल टू उल्टा करो इसको बस वन बाय टू पाई रूट ऑफ जी एल कॉस थीटा, उम्मीद कर रहा हूँ कोनिकल पेंडुलम समझ में आया होगा, है ना। चलिए ये कंपोनेंट कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो, अभी यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कर रहा हूँ मैं, और इसके लिए मेरे पास जनरल फार्मूले भी है, लेकिन मैं करवा के देता हूँ, जनरल फार्मूले क्या है, यहाँ पे अगर जगह रहती तो देता, नहीं तो ठीक है कोई टेंशन नहीं बच्चों। यहाँ पे हमारा पार्टिकल समझो ए पोजीशन पे है, तो क्या देख रहे बेटा, एम जी भी नीचे, टेंशन भी नीचे, और प्रोवाइड क्या कर रहा है, सेंट्रिपिटल, क्यों, गोल घूमने के लिए कर रहा है, तो इसलिए टी ए प्लस एम जी
इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर बटा ए। तो टेंशन ऑफ ए पोजीशन निकालना है तो एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर ए इधर आने से माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन मिनिमम टेंशन जीरो भी रखा तो भी मेरा पार्टिकल वर्टिकल मोशन करेगा। टेंशन जीरो करो तो भी पार्टिकल टेंशन जीरो हो सकता है। तो ये जीरो वेलोसिटी निकाल ली इसलिए कर रहा हूँ एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये तो एम जी इधर आने से प्लस हो जाएगा बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम एम कैंसिल बेटा, तो वी ए ये रूट आर जी हो जाएगा, है ना? ये आर जी ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? पोजीशन ऑफ ए, हमारे पास टेंशन के लिए एक फार्मूला है एक्चुअल में एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। इन्हीं पोजीशन का निकालना है। 180 एंगल डालो आपको ये जरूर मिलेगा। कॉस 180 माइनस वन होता है, देखो ये फार्मूला मिलेगा टेंशन ऑफ एनी पोजीशन। और वैसे वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन का मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। ये फार्मूला जरूर याद रखो, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब बी पोजीशन की निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी पोजीशंस की निकालनी है, सिंपल है। बी पोजीशन मतलब ये पोजीशन है, ऊपर टेंशन है बेटा, नीचे एम जी है, तो एक दूसरे को खाना पड़ेगा। तो टेंशन है बी पोजीशन माइनस एम जी। सर टेंशन को टी को पॉजिटिव एम जी माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसको पॉजिटिव, जो चाहिए उसको पॉजिटिव, ये नहीं चाहिए था इसलिए माइनस किया मैंने। और इस ये है एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर। तो टेंशन ऑफ बी पोजिशन एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर प्लस एम जी, यही बेटा टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजिशन। अभी यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, मतलब एम जी एच पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, करेक्ट बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा यहाँ पे हायर यहाँ रहती है बी पे, हाफ एम वी स्क्वायर बी और हाफ माइनस एम वी स्क्वायर ए। बेटा ध्यान रखना लोएस्ट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वैसे पोटेंशियल जी यहाँ ज़्यादा है। तो यच क्या बेटा हमारे पास? तो यच है बेटा 2RQ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो 2mRG, यहाँ पे भी 1/2m कॉमन निकाल सकता हूँ। बचा है बच्चों मेरे पास यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी ए की मैंने निकाली है, शायद आप m से m को काट सकते हो। यस ये इधर आ गया तो 4RG होगा, और ये वी बी स्क्वायर निकालना है और ये आर जी है क्योंकि रूट ऑफ आर जी था ए की पोजीशन। इधर आया तो वी बी, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5RG होगा बेटा। तो देयर फॉर द वी बी इज इक्वल टू द 5RG। क्या आप समझ पा रहे हो? वेलोसिटी ऑफ बी पोजीशन भी मिली है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बताया मैंने। अभी हम लोग मिड पोजीशन पे डायरेक्ट बता देते हैं। मिड पोजीशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जनरल फार्मूला इस्तेमाल करें। तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का ही फार्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना? कौन सी पोजीशन बेटा? वो डी है। ठीक है, पहले पी ही लिखता हूँ, ये एम जी कॉस थीटा। अब थीटा 90 बेटा, क्योंकि 90 क्यों पता है ना आपको, ये यहाँ से यहाँ आ रहे 90 और कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो होगा। तो टेंशन ऑफ मिड पोजिशन डी ये हो या सी हो, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा। ठीक है, और वेलासिटी का भी एक जनरल फार्मूला तो पता ही होना चाहिए आपको, रूट ऑफ आर जी 3 + 2 कॉस थीटा। ये तो जीरो है तो ये 3RG आएगा, डी पोजिशन पे रूट ऑफ 3RG आएगा। ओके चलो, ये रिवीजन है बच्चों आपके लिए, ये कोई रॉड रहा तो क्या होता बेटा? हमारे पास एक इक्वेशन था, शायद आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है वी बी स्क्वायर ये वी ए स्क्वायर। अब जब रॉड रहता ना तो यहाँ की जो वेलोसिटी जीरो भी रही, मतलब यहाँ की रॉड की जीरो भी रही, तो भी ये रॉड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। मतलब यहाँ की वेलोसिटी भले जीरो रहे होने दो, तो वी बी ये जो स्क्वायर है बच्चों रूट में आएगा, समझे? तो ये 2 होगा रूट ऑफ आर जी। तो उम्मीद कर रहा हूँ रॉड का क्वेश्चन आपको बस उतना ही याद रखना। स्पीयर ऑफ डेथ, पहले आदमी कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल लेते 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 वर्टिकल सर्कल लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये तो क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है। एनालॉजी बेटा, यहाँ पे हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है याद करने के लिए। डिक्स रही तो एम आर स्क्वायर बाय 2 है ना, सॉलिड स्पीयर रहा तो 2/5 एम आर स्क्वायर, रॉड रहा तो एम एल स्क्वायर बाय 12 है, रिंग रही तो एम आर स्क्वायर। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए दिए हैं,
ये आपके बुक्स में नहीं है। यहाँ पे मैं सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, आपको भी पता है शॉर्ट रिवीजन है बच्चों। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी का रिलेशन है बेटा आर इंटू ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे 1/2 एम वी मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो शायद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2, इसको ही आई कहते हैं, और ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, समझे। अब कुछ करना नहीं बच्चों, थ्योरी क्या फेंकोगे, एम वन आर वन है ना स्क्वायर ओमेगा, दूसरा सेकंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड एम टू आर टू स्क्वायर, सबको टोटल करोगे ऐड करोगे, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, बस इतना ही बोलना है। कितना इजी है ना, इजी है ना बेटा, यही दिखाना है काइनेटिक। आपके बुक ओपन करो, देखो ये रिलेशन मिलेगा, बस इसको फर्स्ट पार्टिकल सेकंड थर्ड फोर्थ बोलना, टोटल करो, खत्म किस्सा। चलिए, अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग है तो डायरेक्ट याद करना है हमको, क्यों, क्योंकि बुक्स ने ही बोला है एम आर स्क्वायर होगा आपका, सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे डिक्स का लेकिन करना पड़ता है, टोटल डिक्स रही तो बच्चों छोटे छोटे रिंग है, पहली छोटी एक रिंग है, ओके सर, बाद में थोड़ी बड़ी निकालू, बाद में और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऐसे डिक्स बनती है, पता है ना आपको। तो इसका सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज की जगह पे मास पर यूनिट एरिया होता है, और मास एरिया है बेटा इसका पाई आर स्क्वायर टोटल, ठीक है। सेम टू सेम बेटा छोटे मास के लिए अभी मैंने एक रिंग पकड़ी है, और इसकी थिकनेस है डी आर, इसका अंतर स्मॉल आर है, ठीक है ना, तो रेडियस है, तो यहाँ पे भी सिग्मा जो होगा मास, और ये जो एरिया बेटा इसका एरिया ध्यान रखना, एरिया कैसे निकालते मैं बता देता हूँ, एरिया होगा बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई थिकनेस, जैसे एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ, इसकी लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, थिकनेस डी आर है बेटा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप करूँ तो डी एम डिवाइड बाय 2πr इंटू डी आर, तो आपको डीएम निकालना है, क्यों निकालना है इसका मतलब समझेगा आपको, 2πr ये होगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डीआई का, तो यहाँ पे होगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास कितना है बेटा मेरे पास, और 0 to r मतलब इसका रेडियस 0 to r तक बढ़ेगा, मास कितना है बताओ मुझे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस मान रहे होंगे, तो ये आर स्क्वायर इंटू डी एम, देखो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 0 to r है, तो आर स्क्वायर डी एम है बेटा 2πr सिग्मा इंटू डी आर, राइट बच्चों। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे 2πसिग्मा को बाहर निकालता हूँ, ये आर, या आर क्यूब होगा, ये डी आर होगा, 0 to r तक रेडियस होगा, बढ़े बच्चों आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 2πसिग्मा जो है बेटा मेरे पास टोटल निकाल रहा हूँ ना, टोटल छोटे छोटे डिस्क को पकड़ के निकाल रहा हूँ, मास ये पाई आर स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आर रेस टू 4 आएगा डिवाइड बाय 4, हायर लिमिट है कैपिटल आर 0, तो यहाँ पे पाई पाई गेट भी कैंसिल, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 नीचे, ये 4 बाहर आएगा, हायर लिमिट है आर रेस टू 4 और ये 0 to 4, तो अब तो आई सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूँ मैं, ये 2 होगा बेटा, तो ये m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर और ये r रेस टू 4, यहाँ के 2 चले गए, तो सेंटर से एक्सिस पास होने से m r स्क्वायर बाय 2, ये मुझे सेंटर से एक्सिस पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है, ठीक है। चलिए, रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल से है बच्चों, जैसे मैंने बोला कि यार आपकी डिस्क रही, डिस्क में से सेंटर से एक्सिस पास करो, तो हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 2 मिलता है, और सेंटर से कैलकुलेशंस करके निकाला मुझे 20 केजी मीटर स्क्वायर मिला, या रिंग है मानते हैं, रिंग है ये, इसको क्या मानेंगे, रिंग है, एम आर स्क्वायर मानता हूँ। बाद में मैंने क्या किया बेटा, एक रिंग को हथौड़े से ठोक ठोक के एक छोटी सी उसकी क्या बना दी, गोली बना दी, तो इस गोली को यहाँ रखा और एक एक्सिस लिया और इसको इस गोली के है ना एक्सिस का अबाउट उसको घुमा रहा था, तो मैंने देखा कुछ अंदर पे रखने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ मुझे 5 kg/m² मिला सर। मैंने बोला एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा दूर रखते हैं एक्सिस, आप देखते हैं, तो मुझे कुछ यहाँ पे 15 kg/m² मिला। अच्छा, मैंने बोला और दूर रखते हैं, थोड़ा सा ऐसा दूर रखा तो और इसको घुमाया, तो बच्चों इस अंतर पे रखने के बाद मुझे
यहाँ पे एम आर स्क्वेयर जो था इसका वो मिला है 20 kg। मैंने बोला यार पहला और अभी का सेम है, तो ये एक्सिस से मास ऑफ पार्टिकल का कितना अंतर है उसी को के कहा जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसी का मास जब होल कॉन्सेंट्रेट हो गया इस एक्सिस पे उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है बस। ठीक है ना, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस में बस इक्वेशंस के ऊपर स्टेटमेंट आना चाहिए, स्टेटमेंट के ऊपर सवाल आते रहते हैं। अभी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आईसी का वो रहता है बेटा, है ना, एक्सिस जो है सेंटर से वो है सी डी स्क्वायर इंटू डी एम, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो मास डिस्टेंस का स्क्वायर, वैसे आयो अंतर कितना है बेटा मास से, कहाँ मास है, यहाँ पे डी पे मास है, भले ना दिखाई दो ये देखो पहले सी डी था अभी ओडी है, तो यहाँ पे ओडी स्क्वायर इंटू डी एम। बात समझ में आ रही बेटा? अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, ओ सी बी एच है वो तो पता है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ नाम क्या बेटा ओ एन डी, ओ एन डी, चलो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ओडी स्क्वायर। यहाँ पे ओ और एन का स्क्वायर बेटा और यहाँ पे एन डी का स्क्वायर है, शायद आपको पता हो ओडी स्क्वायर, यहाँ पे ओ एन होता है ओ सी प्लस सी एन और ये स्क्वायर है और ये एन डी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इस्तेमाल करें तो यहाँ पे कर सकता हूँ ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी एन और ये सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। एक छोटा सा और एक ट्राइंगल है बेटा, उस ट्राइंगल का नाम है सी एन डी, ट्राइंगल ऑफ सी एन डी, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं। सी एन डी में देखो सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा हमको सी डी स्क्वायर मिलेगा, मतलब इसके जगह पे सी डी स्क्वायर करो और इंटीग्रेशन करो, देखते हैं ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन करके डी एम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे भी ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे टू ओ सी की वैल्यू एच है इसलिए सी एन इंटू डी एम समझे, और इसके जगह पे सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। अब हम लोगों को ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम का वैल्यू क्या है वो भी पता है, तो फटाफट रख देते बेटा, है ना, देखो OD स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू हमारे पास IC है, वेरी गुड सर, यहाँ पे H स्क्वायर इंटू डी एम होगा बेटा OC की वैल्यू, यहाँ पे 2H इसको ऐसे रखते हैं जीरो रखते हैं, क्यों, सेंटर ऑफ मास होता बेटा, सेंटर ऑफ मास पे सेंटर मास गिनोगे तो वो जीरो मिलेगा, और CD स्क्वायर इंटू ये तो IO है सर, ये सॉरी OD स्क्वायर IO है और इसका IC है, शायद आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू कैपिटल एम होती है, तो यहाँ पे आईओ ये हो गया एम कैपिटल, ये एच स्क्वायर, बस इसको अच्छी तरह से लिख लेना, ये तो जीरो ही होगा ना, तो आईओ इज इक्वल टू आईसी ये एम स्क्वायर, इसी से स्टेटमेंट बनता है। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, इक्वल टू को इज डिफाइन एज सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ऐसा फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसकी सम हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जिसको ऐड कर रहे हैं वो एक प्लेन में होना चाहिए, प्लेन मतलब देखो ये बोर्ड है ये एक्स है ये एक्स है ये वाई है और जेड ऐसा ये मार्कर जैसे कि ऐसा रहा ऐसा, समझ में आ रहा है, जेड ऐसा है ऐसा मानना पड़ेगा तो ही हम लोग कर पाएंगे। अब देखते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोगों को अलोंग द एक्स एक्सिस, तो होगा बेटा वाई स्क्वायर इंटू डी एम, सर आपको याद है क्या, नहीं मैं डायग्राम देख के किया मैंने, मैंने क्या बोला P मतलब यहां पे मास है, मुझे अलोंग द x एक्सिस पे निकालना, तो मैंने बोला अंतर कितना है y, y को पैरेलल y, x एक्सिस को पैरेलल x, z को z, ठीक है ना, तो ये y स्क्वायर मल्टीप्लाई मास लिख दिया मैंने, सेम टू सेम I y क्या करेंगे तो x एक्सिस परपेंडिकुलर है dm, देखो यहां पे x एक्सिस ये है ना y पे, और z के लिए क्या बेटा आई जेड इज इक्वल टू दिखता नहीं है लेकिन है भाई जेड स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है इक्वेशन वन टू थ्री, चलो वन और थ्री टू को ऐड करते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पहला कौन सा लिखा एडिशन है बेटा, तो आई एक्स प्लस आई वाई इसको इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम करता हूँ बेटा, ये जो है ना ये एक्स है देखो ये परपेंडिकुलर है ये वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई
ये इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू डी एम, बेटा इसी को कहते हैं आई जेड, समझे? ओके, इसी से स्टेटमेंट भी बनाना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम है बेटा, और मैंने आपको बता दिया था कि पी इज इक्वल टू एम वी है, तो पी के जगह पे एल, एम के जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा, खत्म किस्सा बच्चों। यही डेफिनेशन होती है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज एक्सिस, कौन सी? ये देखो, ये लड़की देखो, इसके बीच में से एक्सिस डालता हूँ, ये ऐसे गोल घूम रही है। देखो ये आई कब कम करो, ऐसा देखो करो तो वो ज्यादा घूमती है जोर से, ऐसा करो तो आई बढ़ेगा ओमेगा कम होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब लेंथ, है ना, एम आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बच्चों एक्सिस से, ठीक है ना। तो वही फार्मूला है बस, बाकी कुछ नहीं बेटा। आई तो आई का के जी मीटर स्क्वायर, क्यों सर? आई का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, मास को के जी, डिस्टेंस आर स्क्वायर, और रेडियन पर सेकंड, लेकिन रेडियन नहीं लिखते, बस देखो एल टू है मास इसलिए एम वन, और टाइम डिवाइड है इसलिए माइनस हो गया, ठीक है बेटा। ये देखो ये लड़की कितनी अच्छी घूम रही है, भगवान इसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, कितनी अच्छी घूमती बेचारी। चलिए तो हम लोगों को डेरिवेशंस करना है। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है मोमेंटम ऑफ मोमेंट, मोमेंटम पी आर मतलब मोमेंट, लेकिन पी का फार्मूला है मास इंटू वेलासिटी, पता है, और वेलासिटी का रिलेशन बेटा आर इंटू ओमेगा। चलो डालता हूँ एम आर ओमेगा, ठीक है, यहाँ पुटअप करते देखते हो पी की वैल्यू एम, सॉरी देखते हैं बच्चों, ये है यम आर ओमेगा और ये आर, तो आपको तो समझ में आया होगा यम आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ओमेगा, बेटा इसी को तो आई इंटू ओमेगा कहते हैं, खत्म किस्सा, हो गया ना। ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, बस इसको लिखना पड़ता है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, टोटल करो, ऐड करो, बाकी कुछ नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमने जो बताया आपको, बोला ना देखो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते यन तक पार्टिकल है। अभी टॉर्क देखते हैं बच्चों, टॉर्क का भी सेम टू सेम डेरिवेशन बता देता हूँ। टॉर्क का होता बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन है आर इंटू अल्फा, डाल दो यम आर अल्फा, यहाँ पे भी यम आर अल्फा और ये एक आर, तो क्या होगा बेटा यम आर स्क्वायर अल्फा, बेटा इसी को तो आई कहते हैं, खत्म किस्सा, लेकिन लिखो अच्छी तरह से, मैंने लिख के दिया है आपको, ठीक है ना। ओके, ये बात तो समझ में आ रही है, बस लिखो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, यंग पार्टिकल, खत्म कर देते, ठीक है। यस आई नीड भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। बेटा ये लड़की ना पहले देखो ऐसे ऐसी थी, तो आई ज़्यादा था मोमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी कम, उसको छलांग लगानी है, देखो छलांग जब लगानी है तो हाथ को फोल्ड करके लेते, आई कम ओमेगा ज़्यादा, कंजर्वेशन है, ये भी देखो, ठीक है ना। तो इसका भी थोड़ा सा एक डेरिवेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यल इज इक्वल टू आर, है ना, और ये पी वेक्टर। चलो डेरिवेटिव करते हैं डी एल बाई डी टी, तो ये आर को कॉन्स्टेंट रखा है ना बेटा, ये डी बाई डी टी, यहाँ पे P को कांस्टेंट है, ये डी आर बाई डी टी वेक्टर है, नहीं लिखा तो मान लेना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो लिखा ही नहीं है, तो ये R क्रॉस F है, करेक्ट है बेटा, और ये M, ये V क्रॉस V, V की वैल्यू है ना, ये तो डी आर बाई डी टी, ये फोर्स है चेंज इन मोमेंटम, इट सेल्फ वेक्टर मल्टीप्लाई रहा तो जीरो आंसर आता है, तो डी एल अपॉन डी टी बेटा, बेटा आर क्रॉस ये अभी अभी देखा टॉर्क कहते हैं, ये तो जीरो है, लेकिन यल तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है मुझे बताओ, क्योंकि एक्सियल वेक्टर यहाँ हमेशा कांस्टेंट होते हैं, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में दो मोशन होते हैं बेटा, जब कोई चीज़ आगे जा रही है तो इसका सेंटर जैसे कि जैसे आ गया, और ये जो बॉल थी वो गोल घूम रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसका सेंटर सामने आ गया, तो यहां पे बच्चों जब भी काइनेटिक एनर्जी आप रोलिंग मोशन बोले, रोलिंग रोटेटिंग नहीं, तो दो ही, एक तो ट्रांसलेशन मोशन है बेटा, ये ट्रांसलेशन मोशन, और काइनेटिक एनर्जी एक गोल घूम रहा है तो रोटेटिंग कहते हैं, तो इसका फार्मूला बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फार्मूला बेटा यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों को रेडियस ऑफ डायरेक्शन देखना पड़ता है उसका, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एक फार्मूला है, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन अगर देखते हो तो हम लोग देखना चाहते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वन बाय टू एम के स्क्वायर,
तो ये v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो 1 बाई टू एम वी स्क्वायर, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फार्मूला, याद रखना। ठीक है, बस अभी लास्ट और फास्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये देखो अलग अलग बॉडी ली थी हम लोगों को, यहाँ पे पहले तो एक बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सब चीज़ें हैं। तो हमारे पास पहले कोई भी हाइट पे रहा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो रोलिंग करके आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये रोल करके आ रहा है, रोलिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा एम जी एच, यहाँ पे 1 बाई टू एम वी स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बेटा, तो एम से एम को हटा दो, ये 2 जी एच हो रहा है और ये डिवाइड आ रहा है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये है वी स्क्वायर, तो ये वी है बेटा, ये रूट में आएगा 2 जी एच, ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी है, क्या आप समझ पा रहे हो, 2g डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वैसे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए बेटा एक फार्मूला था, काइनेमेटिक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, ओके समझ में आ रहा है। और अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ पे ये है बेटा हीट, और ये थीटा है, ये यस है, पता है ना आप लोगों को, तो देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, वी का स्क्वायर का फार्मूला है 2gh, रूट में रखने की जरूरत नहीं मुझे, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये जी, सर एच क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि सर साइन थीटा करोगे तो है ना अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, तो एच इज इक्वल टू यस साइन थीटा होगा, कुछ गड़बड़ हो रही है, यस और नो मेरे बच्चे, क्या सच्चे तरीके से समझ रहे हो आप, अच्छे, तो यहाँ पे नहीं यच को यच ही रहने देते तो मुझे करना क्या है, एक्सेलरेशन 2g, हाँ इसीलिए गड़बड़ ये हो रही बेटा कि हमने क्या किया है, हमने उसको a ही बोलना, ए एस बोलना चाहिए, ए एस सॉरी ए एस, इसीलिए है ना 2as है ओरिजिनलिटी में, तो यस क्या मिलेगा बेटा, तो यच अपॉन साइन थीटा मिलेगा, वही बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे 2gh ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये है बेटा 2g की वैल्यू हमारे को नहीं a ही रखना है, यस एच अपॉन साइन थीटा, तो 2 से 2 को मरवा दो, यस से यच को मरवा दो, ये इधर जाएगा बेटा, मुझे एक्सेलरेशन टारगेट है मेरा, तो g साइन थीटा हो गया हमारा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये आपको सेशंस कैसा लगा, सही में आपका रिवीजन हो रहा ही नहीं हो रहा है, ये बताना, कमेंट करना आपका काम है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके शेयर करो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है और भी कुछ लाने वाला हूँ इस सीरीज, अभी तो 3 सीरीज चली है, वन शॉट शॉर्ट रिवीजन चली है और न्यूमेरिकल की, इससे अलावा भी कुछ लाना है, लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है। चलो बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करता हूँ बाय 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 बाय। आपको अगर CET करना है तो PGMN ऐप पे आपके लिए टॉपर प्लस बैच चालू है, तो उसको भी ज्वाइन फिलहाल में करो, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ेगी।